रात की क्लास चल रहा था 16/5/1967। द नाइट क्लास डेटेड 16/5/1967 वॉज इन प्रोग्रेस। पहले पेज की मध्यान्ह में बात चल रही थी। वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक इन द बिगिनिंग ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द फर्स्ट पेज। एक ब्रॉड ड्रामा के शूटिंग पीरियड में जिसे संगम युग कहा जाता है, वहाँ शिव बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते। द फादर शिव कम्स एंड क्रिएट्स द क्रिएशन ऑफ ब्राह्मिन्स थ्रू ब्रह्मा इन द शूटिंग पीरियड ऑफ द ब्रॉड ड्रामा विच इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज। फिर ब्राह्मण सोई देवता बनते हैं। देन द ब्राह्मिन्स देमसेल्व्स बिकम डेटीज। शूटिंग पीरियड में ही चारों वर्णों से पसार होते हैं। नंबर वार दे पास थ्रू ऑल द फोर क्लासेस नंबर वार इन द शूटिंग पीरियड इटसेल्फ। तो त्रेता की भी शूटिंग होती है। सो द शूटिंग ऑफ द सिल्वर एज इज ऑल्सो परफॉर्म्ड। देवता से क्षत्रिय बनते। दे बिकम क्षत्रिय फ्रॉम डेटीज। फिर द्वापर युग की भी शूटिंग होती है, तो क्षत्रिय सो वैश्य बनते हैं। देन द शूटिंग ऑफ द कॉपर एज इज ऑल्सो परफॉर्म्ड एंड दे बिकम वैश्य फ्रॉम क्षत्रिय। विशियस बन जाते हैं। दे बिकम विशियस। फिर कलयुग की भी शूटिंग होती है तामसी स्टेज की, तो वैश्य सो फिर शूद्र बन जाते हैं। देन द शूटिंग ऑफ द आयरन एज द तामसी स्टेज इज परफॉर्म्ड एज वेल, सो दे देमसेल्व्स बिकम शूद्र फ्रॉम वैश्य। इसलिए बोला गीता में चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। दिस इज व्हाई इट इज सेड इन गीता चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मीनिंग आई हैड क्रिएटेड द ग्रुप ऑफ फोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन देयर क्वालिटीज एंड एक्शंस। गुणों के आधार पर जो ब्राह्मण जितने जो गुण धारण करते हैं। बेस्ड ऑन द क्वालिटीज विच एवर ब्राह्मिन असिमुलेट्स विच एवर क्वालिटीज टू वॉट एवर एक्सटेंट। उनके कर्मों के आधार पर जो जैसे कर्म करते हैं सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। बेस्ड ऑन देयर एक्शंस वॉट एवर एक्शंस दे परफॉर्म वेदर इट इज सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। तो वैसे वैसे वर्ण में चले जाते। दे गो टू दैट क्लास अकॉर्डिंगली। तो ये सृष्टि चार अवस्थाओं से पसार होती ही है। सो दिस वर्ल्ड सर्टनली पासिस थ्रू फोर स्टेजेस। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड पासिस थ्रू फोर स्टेजेस। क्योंकि इस सृष्टि में प्रकृति की प्रधानता है। बिकॉज देर इज द डोमिनेंस ऑफ नेचर इन दिस वर्ल्ड। और प्रकृति जरूर चार अवस्थाओं से पसार होती है। एंड नेचर सर्टनली पासिस थ्रू फोर स्टेजेस। सत्व प्रधान सत्व सामान्य रजो प्रधान तमो प्रधान। सत्व प्रधान सतो सामान्य रजो प्रधान एंड तमो प्रधान। फिर बाबा जिन्हें साकार निराकार का मेल कहा जाता है। देन बाबा हु इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्पोरियल वन एंड द इनकॉर्पोरियल वन। निराकार आत्माओं का बाप। द फादर ऑफ द इनकॉर्पोरियल सोल्स। और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप आदम एडम में प्रवेश करते हैं। एंटर्स आदम एडम द फादर ऑफ द कॉर्पोरियल ह्यूमन वर्ल्ड। तो जो देवता धर्म की आत्मा है। सो द सोल्स ऑफ द डेटी रिलीजन वो साकार को ही सब कुछ समझ के बैठ जाती है। कंसिडर द कॉर्पोरियल वन अलोन टू बी एवरीथिंग। इसलिए मुसलमान कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। दिस इज वाई द मुस्लिम्स से आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मीनिंग डोंट कॉल आदम गॉड, आदम इजंट गॉड, बट आदम इजंट सेपरेट फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ गॉड। नूर क्या है? वॉट इज द ब्रिलियंस? पवित्रता का नूर है। इट इज द ब्रिलियंस ऑफ प्यूरिटी। तो कलयुग के अंत में संगम युग में शूटिंग काल में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं। सो व्हेन द सुप्रीम सोल द फादर कम्स इन द शूटिंग पीरियड ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज इन द एंड ऑफ द आयरन एज। तो
शूद्र जो है जो क्षुद्र कर्म करने वाले हैं, नीच कर्म करने वाले, दुखदायी कर्म करने वाले, उनको शूद्र से फिर ब्राह्मण बनाते हैं। He makes the Shudras, the ones who perform the lowest actions, inferior actions, the actions that give sorrow, into Brahmins again. पहली मशीनरी है शूद्र से ब्राह्मण बनाने की ब्रह्मा द्वारा। The first machinery is of making the Shudras into Brahmins through Brahma. फिर जब ब्राह्मण नंबर वार तैयार हो जाते हैं नौ कुलियों की शूटिंग हो जाती है। Then when Brahmins of nine categories are ready one after the other, number war, the shooting is performed. तो फिर जो ब्राह्मण बने हैं पक्के उन ब्राह्मणों को सत्युग के देवता बनने काबिल बनाते हैं। He makes the Brahmins who have become firm Brahmins capable to become deities of the golden age. इसलिए बोला कि मैं चार रोणों की रचना करता हूँ संगम में। This is why it was said, I create four classes in the confluence age. जिनको लंबे समय तक सुखदायी देवता का पार्ट बजाना है वो देवता हो गए। Those who have to play the part of the deities, who give happiness for a long time, are deities. जिनको छत्र तेज धारण करना है भगवान की छत्र छाया जिनके ऊपर रहती है। Those who have to hold the छत्र तेज, the shelter of brilliance, those who have the shelter of God on them are Kshatriyas. क्योंकि वो जो सत्य नहीं है झूठ है कुछ न कुछ नंबर वार उनसे युद्ध करते रहते हैं। Because they keep fighting with those who aren't true, who are false to some extent, number wise. तो युद्ध करने वालों को तो ताकत चाहिए ना। So those who fight need power, don't they? तो उनको छात्र तेज की ताकत मिलती है, मिलती ही रहती है। So they keep receiving the power of छात्र तेज and they continue to receive it. चारों युगों में ताकत मिलती है, टकराते रहते हैं। They receive power in all the four ages. They continue to clash with falsity. तो बताया पक्के ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। So it was said, the very firm Brahmins themselves become deities. फिर थोड़ी नीची कैटेगरी के क्षत्रिय बनते हैं। Then some belonging to a lower category become Kshatriyas. फिर शूद्र बनते हैं। Then they become Shudras. क्षत्रिय बनते वो क्षत्रिय से वैश्य बनते हैं वैश्य से शूद्र। They become Vaishyas from Kshatriyas and Shudras from Vaishyas. तो ये सारा सृष्टि का चक्र चार अवस्थाओं से घूमता रहता है। So this entire world cycle continues to pass through the four stages. नाम दे दिया है स्वदर्शन चक्र। It has been named स्वदर्शन चक्र। स्व माने आत्मा, दर्शन माना देखना। स्व मीन्स द सोल, दर्शन मीन्स टू सी। कि आत्मा सत्युग से कलयुग के अंत तक नंबर वार कैसे 84 के चक्र में पार्ट बजाती है। हाउ द सोल प्लेज अ पार्ट वन आफ्टर द अदर इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स फ्रॉम द गोल्डन एज टिल द एंड ऑफ द आयरन एज। देखो ये चक्कर को याद करने से तुम मीठे मीठे लाडले बच्चे चक्रवर्ती बन जाते हो, विश्व के महाराजा, विश्व के मालिक बनते हो। लुक बाय रिमेम्बरिंग दिस साइकिल यू वेरी स्वीट डियर चिल्ड्रन बिकम चक्रवर्ती एम्परर्स, यू बिकम द एम्परर्स ऑफ द वर्ल्ड, द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। और बाप भी कहते हैं बच्चे तुम ये बात सुनते हो। एंड द फादर ऑल्सो आस्क्स चिल्ड्रन डू यू लिसन टू दिस पॉइंट कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। आई मेक यू द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। कैसे बनाते हैं? हाउ डज ही मेक यू दैट? है आकर के तुम्हारा असली परिचय तुमको देते हैं कि तुम क्या हो। ही कम्स एंड गिव्स यू योर रियल इंट्रोडक्शन व्हाट यू आर। जैसे दुनिया समझती है कि हम देह हैं, तुम भी समझते थे हम देह। जस्ट लाइक द वर्ल्ड थिंक्स वी आर अ बॉडी, यू टू यूज्ड टू थिंक वी आर अ बॉडी। पांच जड़ तत्वों से बनी हुई देह, पंचभूतों से बनी हुई। अ बॉडी मेड ऑफ फाइव इनर्ट एलिमेंट्स, द फाइव एलिमेंट्स। भौतिकवादी दुनिया के प्रभाव में तुम आ गए थे। इट इज बिकॉज
यू वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो पहले पहले तुम को परिचय देता हूँ। सो आई गिव द इंट्रोडक्शन टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। कि तुम आत्मा हो ज्योतिबिंदु। यू आर अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल। क्या? व्हाट? जिस आत्मा की ज्योति तुम्हारी आंखों से निकल रही है। द लाइट ऑफ दैट सोल इज रेडिएटिंग फ्रॉम योर आईज। आत्मा निकल जाती है तो आगे निर्जीव जैसी हो जाती है, बटन जैसी हो जाती है। व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी द आईज बिकम लाइफलेस लाइक बटन्स। तो तुम्हारी आत्मा बिंदु भी है, अति सूक्ष्म भी है और ज्योति स्वरूप भी है। सो योर सोल इज अ पॉइंट, इट इज वेरी सटल एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट टू। तो ये आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आत्मलोक से आती है, सोल वर्ल्ड से। सो व्हेन दिस सोल कम्स ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड फ्रॉम द सोल वर्ल्ड। तो चार अवस्थाओं में पसार होती है। इट पासेस थ्रू फोर स्टेजेस। चाहे वो कोई युग में आए। इट डजेंट मैटर इन विच एज इट अराइव्स। उसे चार अवस्थाओं से पसार जरूर होना पड़ेगा। इट विल सर्टनली हैव टू पास थ्रू द फोर स्टेजेस। तो ये सारे चक्कर को तुम बच्चे याद करते हो। सो यू चिल्ड्रन रिमेम्बर दिस कम्प्लीट साइकिल। ये बात कहते हैं, तुम सुनते हो। दिस इज वाई द फादर आस्क, डू यू लिसन। कि तुमको हम तुम्हारे असली स्वरूप का परिचय देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। दैट आई गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ योर रियल फॉर्म एंड मेक यू द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। तुम अपनी आत्मा को याद करते हो और देह को भूलते हो, देह के पदार्थों को भूलते हो, देह के संबंधियों को भूलते हो। यू रिमेम्बर योर सोल एंड फॉरगेट द बॉडी, द मटेरियल्स रिलेटेड टू द बॉडी एंड द रिलेटिव्स ऑफ द बॉडी। अपनी ज्योतिबिंदु आत्मा के स्वरूप में स्थिर होते हो तो तुम्हें आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अनेक जन्मों का पता लग जाता है। व्हेन यू स्टेबिलाइज इन द फॉर्म ऑफ योर पॉइंट ऑफ लाइट सोल, यू कम टू नो मेनी बर्थ्स ऑफ योर सोल इन द फॉर्म ऑफ अ रिकॉर्ड। ये जो आत्मा जितने जन्म लेने वाली है उसको अपने पार्ट का पता लगता है। और विच एवर सोल विल हैव हाउ मेनी बर्थ्स, इट कम्स टू नो इट्स पार्ट। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यू बिकम द मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड। व्हाट? जो सतयुग में देवताएं होंगे वो सतयुग के मालिक बनेंगे। द डेटीज इन द गोल्डन एज विल बिकम द मास्टर्स ऑफ द गोल्डन एज। वो विश्व के मालिक नहीं कहे जाएंगे। दे वोंट बी कॉल्ड द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? Why? क्यों नहीं कहे जाएंगे? Why won't they be called that? क्योंकि है? क्योंकि विश्व में जो जनसंख्या है, विश्व धर्मों की जनसंख्या, वो 500, 700, 750 करोड़ है मनुष्यों की। बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल इन वेरियस रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज 5.7 to 7.5 billion ह्यूमंस। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, विश्व के बादशाह बनते हो। सो यू बिकम द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, द एम्परर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि तुम आत्मिक स्मृति में पक्के पक्के हो जाते हो। बिकॉज यू बिकम वेरी फर्म इन द अवेयरनेस ऑफ द सोल। इसलिए विश्व की सभी आत्माओं को आत्मिक रूप में देखते हो। आत्मा आत्मा, भाई भाई। दिस इज वाई यू सी ऑल द सोल्स ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सोल थिंकिंग। द सोल्स आर ब्रदर्स फॉर ईच अदर। तुम्हारी बुद्धि जो है अलगाववादी नहीं बनती है। योर इंटेलेक्ट डजंट बिकम सेपरेटिस्ट। क्या? व्हाट? अलगाव कर देते हैं ना। दे सेपरेट डोंट दे। ये नहीं समझते कि एक बाप के बच्चे हैं मूल रूप में। दे डोंट अंडरस्टैंड वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ द वन फादर ओरिजिनली। मूल रूप है आत्मिक रूप। द ओरिजिनल फॉर्म इज द सोल कॉन्शियस फॉर्म। तो आत्मिक रूप में सब एक शिव बाप के, सुप्रीम सोल गॉड फादर के बच्चे हैं। सो इन द सोल कॉन्शियस फॉर्म एवरी वन इज द चाइल्ड ऑफ द वन फादर शिव, द सुप्रीम सोल गॉड द फादर। यही असलियत है, यही बुद्धि में रहना चाहिए। दिस इट सेल्फ इज द रियालिटी,
दे शुड हैव जस्ट दिस इन द इंटेलेक्ट. लेकिन नंबर वन, बट दे आर नंबर वाइज. जितनी जितनी बुद्धि नीचे बनती है, क्योंकि ज्ञान पूरा उठाते नहीं ईश्वर का. द लोअर द इंटेलेक्ट बिकम्स बिकॉज दे डोंट टेक द नॉलेज ऑफ गॉड कम्प्लीटली. तो क्षुद्र बुद्धि बनते जाते हैं, शूद्रों की ओर जाते हैं. सो दे कीप बिकमिंग द वंस विद अ डिग्रेडेड इंटेलेक्ट, दे गो टूवर्ड्स द शूद्रास. तो अलगाववादी बनते जाते हैं. सो दे बिकम मोर एंड मोर सेपरेटिस्ट. बनना चाहिए विश्व का मालिक. दे शुड बिकम द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड. और तुम बनते हो. एंड यू बिकम दैट. मैं मालिक नहीं बनूंगा. आई वोंट बिकम अ मास्टर. क्यों? वाई? ऐसी क्या बात हो गई? क्यों नाराज हो गए? वॉट हैपेंड? वाई डिड ही बिकम डिस्प्लीज्ड? किसने बोला मैं मालिक नहीं बनूंगा? हु सेड आई वोंट बिकम अ मास्टर? सुप्रीम सोल शिव ने बोला, जो आत्मलोक का रहवासी है. द सुप्रीम सोल शिव हु इज द रेजिडेंट ऑफ द सोल वर्ल्ड सेड दिस. इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में ही आता है. ही सर्टनली कम्स इन दिस वर्ल्ड इन द एंड ऑफ द आयरन एज. नई सतयुग की दुनिया की सृष्टि रचने, पुरानी दुनिया का विनाश करने. टू क्रिएट द क्रिएशन ऑफ द न्यू गोल्डन एज वर्ल्ड, टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड वर्ल्ड. और जो नई सृष्टि में पक्के पक्के आत्म स्थिति वाले तैयार होते हैं, उनके हाथ में विश्व की बात सही दें. एंड टू गिव द एम्पायरशिप ऑफ द वर्ल्ड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर रेडी विद अ वेरी फर्म सोल कॉन्शियस स्टेज इन द न्यू वर्ल्ड. तो कहते हैं कि मैं अगर मालिक बन के बैठूं, तो फिर मुझे भी इस दुनिया में हराना पड़ेगा. सो ही सेज इफ आई सिट एज द मास्टर आई टू विल हैव टू लूज इन दिस वर्ल्ड. है कलयुग अंत में जैसे तुम हार जाते हो संग के रंग में आते आते. जस्ट लाइक यू लूज इन द एंड ऑफ द आयरन एज बिकॉज ऑफ कमिंग इन द कलर ऑफ द कंपनी. मुझे भी हारना पड़ेगा. आई टू विल हैव टू लूज. और मैं हार जाऊंगा तो फिर तुमको आत्मिक स्थिति में कौन स्थिर कराएगा? एंड इफ आई लूज हु विल स्टेबिलाईज यू इन द सोल कॉन्शियस स्टेज. इसलिए मेरा पार्ट है. देयरफॉर इट इज माई पार्ट. क्या? वॉट? कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ. आई डोंट बिकम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. कारण बताया. क्या कारण बताया? द रीजन वॉज मेन्शंड. वॉट वॉज द रीजन मेन्शंड? क्यों नहीं बनता हूँ? Why don't I become the master of the world? क्यों मैं बनूं तो मैं भी हराऊं? Because if I become that, I too will lose. इसलिए तुम मालिक भी बनते हो और तुम ही हराते हो. Therefore, you become the masters and you yourself lose as well. दुनिया में जीत पाने वाले भी तुम सबसे ज्यादा और हारने वाले भी तुम सबसे ज्यादा. यू आर द वंस हु गेन विक्ट्री द मोस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर द वंस हु लूज द मोस्ट एज वेल. जब तुम नारायण बनते हो नर से, इसी शूटिंग काल संगम युग में सारे विश्व के मालिक, तो तुम सबको हराते हो. वेन यू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन द मास्टर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इन दिस वेरी शूटिंग पीरियड इन द कॉन्फ्लुएंस एज यू डिफिट एवरी वन. शूटिंग पीरियड में तुम्हारी कभी है हार होती ही नहीं. यू आर नेवर डिफिटेड एट ऑल इन द शूटिंग पीरियड. जीत ही जीत, जीत ही जीत. विक्ट्री एंड जस्ट विक्ट्री, विक्ट्री एंड जस्ट विक्ट्री. इसलिए तुम्हारी बढ़िया शूटिंग हो जाती है. सो एन एक्सेलेंट शूटिंग ऑफ योर्स इज परफॉर्म्ड. क्या? वॉट? ब्रॉड ड्रामा में भी जितने भी युद्ध होते हैं, उन युद्धों में तुम्हारी हार नहीं हो सकती. इवन इन द ब्रॉड ड्रामा यू कांट लूज एनी वॉर विच टेक्स प्लेस देयर. हाँ, अंत में तुम माया से हरा लेते. बट यस, यू आर डिफिटेड अगेंस्ट माया इन द एंड. मैं तुमको जीत पहनाता हूँ. आई मेक यू विक्टोरियस. और रावण तुमको हराते. एंड रावण डिफीट्स यू. कैसे? हाउ? मैं माने एक और रावण माने? आई मीन्स द वन. एंड वॉट डज रावण मीन? दस सिर
दस धर्मों का संगठन, 10 heads, द गैदरिंग ऑफ 10 religions, सब मिलके तामसी बन जाते हैं, दे ऑल यूनाइट एंड बिकम तामसी, वो सब दे अभिमानी, दे ऑल आर बॉडी कॉन्शियस, इसलिए रावण को लंबा चौड़ा बनाते हैं, दिस इज वाई रावण इज मेड टॉल ह्यूज, और राम को, एंड वॉट अबाउट राम, छोटा दिखाते हैं, आत्माभिमानी, आत्मा तो छोटी होती है ना, ही शोन स्मॉल सोल कॉन्शियस, अ सोल इज स्मॉल इजंट इट, तो आत्माभिमानी कैसे दिखाए, सो हाउ विल दे शो दैट ही सोल कॉन्शियस, इसलिए राम रावण का युद्ध दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, दिस इज वाई वेन दे शो द वॉर बिटवीन राम एंड रावण इन द पाथ ऑफ भक्ति, तो राम का छोटा रूप बनाते हैं और रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का बड़ा लंबा चौड़ा बनाते, दे मेक अ स्मॉल फॉर्म ऑफ राम एंड अ रियली टॉल ह्यूज फॉर्म ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ, और ये भी नहीं एक बार बना दे, एंड इट इज नॉट दैट दे मेक द फॉर्म ऑफ रावण जस्ट वंस, वर्ष वर्ष बढ़ाते जाते हैं, दे हाइटन इट ईयर आफ्टर ईयर, माना उनका देहवान कलयुग में लगातार बढ़ता जाता है, इट मीन्स देयर बॉडी कॉन्शियसनेस इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली इन द आयरन एज, तो ये खेल चलता ही आता है, सो दिस गेम जस्ट कंटिन्यूज, हर 4 युग के बाद फिर से यही खेल चलता है, दिस वेरी गेम रिपीट्स एवरी 4 ages, तो अब है कलयुग के अंत में, सो नाउ इन द एंड ऑफ द आयरन एज, तुमको आकर के जीत पहनाता हूँ, आई कम एंड मेक यू विक्टोरियस, क्या वॉट, जब तक मैं आता नहीं हूँ तब तक तुम इस सारी दुनिया पर पूरी जीत नहीं पहन सकते, अनलेस आई कम यू कांट गेन कम्प्लीट विक्ट्री ओवर दिस एंटायर वर्ल्ड, सारे विश्व के मालिक नहीं बन सकते, यू कांट बिकम द मास्टर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, भले तुमको हराए नहीं पाता कोई, दो नो वन इज एबल टू डिफीट यू, लेकिन फिर भी सारी दुनिया के मालिक नहीं बन सकते, स्टिल यू कांट बिकम द मास्टर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, मैं आता हूँ तो आकर के सारी दुनिया के ऊपर जीत पहनाता हूँ, वेन आई कम आई मेक यू गेन विक्ट्री ओवर द एंटायर वर्ल्ड, किसके ऊपर, ओवर वॉट, सारे विश्व के ऊपर, विश्व धर्मों के ऊपर जीत पहनाता हूँ, आई मेक यू गेन विक्ट्री ओवर द एंटायर वर्ल्ड, ओवर द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, देखो ये विश्व का मालिक बनने का है, लुक यू हैव टू बिकम दिस मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, देखो तो पहले भी बने थे 5000 वर्ष पहले, जस्ट लुक यू बिकेम दैट अर्लियर टू 5000 years ago, क्योंकि ये 4 युगों की सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, बिकॉज दिस साइकिल ऑफ द वर्ल्ड विथ 4 ages इज ऑफ 5000 years, इसीलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, दिस इज वाई इट इज रिटन इन द ब्रह्म वैवर्त पुराण, वॉट, कि हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है, दैट द ड्यूरेशन ऑफ एवरी एज इज 1250 years, तो जब तुम विश्व के मालिक बने थे तब 100% आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सो वेन यू बिकेम द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड देर वॉज 100% द एंशियंट डेटी रिलीजन, सनातन माने पुराण, सनातन मीन्स ओल्ड, आदि सनातन माने सृष्टि के एकदम आदि में सबसे पुराना, आदि सनातन मीन्स इन द एब्सोल्यूट बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड द मोस्ट एंशियंट, कौन सा धर्म, विच रिलीजन, देवी देवता पक्का पक्का धर्म था, देर वॉज द फर्म डेटी रिलीजन, देवी देवताओं का राज्य था, देर वॉज द रूल ऑफ मेल एंड फीमेल डेटीज, नर से नारायण और नारी से एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनने वालों का राज्य था, ऑफ दोज हु बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन, देर वॉज द रूल ऑफ दोज हु बिकम लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन एंड नारायण फ्रॉम अ मैन आफ्टर मेकिंग पुरुषार्थ इन जस्ट वन बर्थ, ऐसे नहीं
कि जन्म जन्म पुरुषार्थ करो तब कहीं मुक्ति जीवन मुक्ति मिले. इट इज नॉट दैट व्हेन यू मेक पुरुषार्थ फॉर मेनी बर्थ्स इट इज देन दैट यू विल अटेन मुक्ति एंड जीवन मुक्ति. नहीं. नो. तो उस नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हो गए. सो 5000 इयर्स हैव पास्ड सिंस द रूल ऑफ नारायण. तो आज सनातन देवी देवता धर्म के प्रैक्टिकल में फाउंडर बने थे. सो ही बिकेम द फाउंडर ऑफ द एंशियंट डेटी रिलीजन इन प्रैक्टिस. क्या? व्हाट? बनाया किसने? हु मेड हिम दैट? कोई ने बनाया है कि नहीं बनाया? डिड एनीवन मेक हिम दैट और नॉट? बनाने वाला साकार या निराकार? इज द वन हु मेड हिम दैट कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल? साकार. कॉर्पोरियल? निराकार. इनकॉर्पोरियल? साकार शरीरधारी और निराकार आत्मा दोनों का मेल. द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कॉर्पोरियल बॉडीली बीइंग एंड द इनकॉर्पोरियल सोल. क्या? व्हाट? जो सदा निराकारी स्टेज वाला है आत्माओं का बाप. द कॉम्बिनेशन ऑफ द वन हु इज ऑलवेज इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज द फादर ऑफ सोल्स. सुप्रीम सोल जिसका कोई बाप नहीं. द सुप्रीम सोल हु डजंट हैव एनी फादर. और जो इस शक्ति रूपी रंगमंच पर सदा काल साकार रहने वाला है. एंड द वन हु ऑलवेज रिमेन्स कॉर्पोरियल ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड. परंतु मैं उसको आकर के निराकारी स्टेज धारण करने वाला आप समान बना देता हूँ. बट आई कम एंड मेक हिम मीनिंग द कॉर्पोरियल वन द वन हु असिमिलेट्स द इनकॉर्पोरियल स्टेज लाइक माई सेल्फ. क्या? वॉट? ऐसे भी नहीं कि वो आत्मा सच रूपी रंगमंच को छोड़ करके सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार ब्रह्मलोक में चली जाती है. इट इज नॉट दैट दैट सोल लीव्स द स्टेज लाइक वर्ल्ड एंड गोज बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ द सन द मून एंड द स्टार्स इन द ब्रह्मलोक. नहीं. नो. तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो. यू चिल्ड्रन ब्रिंग डाउन द सुप्रीम अबोर्ड इन दिस वर्ल्ड. क्या? व्हाट? जहाँ तुम ब्राह्मणों का संगठन तैयार होता है वहाँ का वाइब्रेशन सारा ही माहौल आत्म की स्टेज वाला बन जाता है. द वाइब्रेशंस द कम्प्लीट एटमोस्फियर ऑफ द प्लेस वेयर द गैदरिंग ऑफ यू ब्राह्मिन्स इज रेडी बिकम्स द एटमोस्फियर विद अ सोल कॉन्शियस स्टेज. जैसे परमधाम में सर आत्मा ही आत्मा ही. जस्ट लाइक ऑल आर सोल्स एंड जस्ट सोल्स इन द सुप्रीम अबोर्ड. कोई देवहन की बात नहीं. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस. तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म 5000 वर्ष पहले था. सो दैट एंशियंट डेटी रिलीजन एग्जिस्टेड 5000 इयर्स अगो. जो क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं. फॉर विच इवन द क्रिस्टियंस से क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था. इट वॉज पैराडाइज इन भारत 3000 इयर्स बिफोर क्राइस्ट. लॉर्ड कृष्ण का राज्य था. देर वॉज द रूल ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो 2000 वर्ष हुए क्राइस्ट को. सो 2000 इयर्स हैव पास्ड आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट. और क्राइस्ट से पहले 3000 वर्ष. एंड 3000 इयर्स बिफोर क्राइस्ट. तो टोटल 5000 वर्ष पहले की बात है जब हेवनली गॉड फादर ने आकर के इस सृष्टि पर हेवन स्थापन किया था. सो इट इज अबाउट 5000 इयर्स अगो इन टोटल व्हेन हेवनली गॉड द फादर केम एंड एस्टेब्लिश्ड हेवन ऑन दिस वर्ल्ड. अभी नहीं. इट इज नॉट नाउ. क्या नहीं है? व्हाट इजंट देयर? हेवन. हेवन है जब मैं आता हूँ तो है क्या? विन. व्हेन आई कम देयर इज है. व्हाट? विन विक्ट्री. जीत पहला ही देता हूँ. आई मेक यू विक्टोरियस. तुम्हारी जीत ही जीत है. यू गेन विक्ट्री एंड जस्ट विक्ट्री. हारने की बात नहीं. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लूजिंग. है और मैं चला जाता हूँ तुमको नई दुनिया बनाकर दे जाता हूँ. एंड व्हेन आई लीव आई क्रिएट द न्यू वर्ल्ड एंड गो आफ्टर गिविंग इट टू यू. तो सत्य को मैं देवता है
जो देवता धर्म होता है उन्हें आदि सनातनी नहीं कहेंगे। सो द डेटीज द डेटी रिलीजन इन द गोल्डन एज वोंट बी कॉल्ड एंशियंट कहेंगे। विल इट बी कॉल्ड दैट? नहीं। नो। क्यों नहीं कहेंगे? व्हाई नॉट? क्योंकि जब सतयुग में देवता धर्म होता है उस समय धर्म पिता तो होता ही नहीं उनका। बिकॉज वेन देर इज द डेटी रिलीजन इन द गोल्डन एज देयर रिलीजियस फादर इज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम एट ऑल। क्या? वॉट? सतयुग में 1250 वर्ष धर्म पिता थोड़ा ही मौजूद रहता है। द रिलीजियस फादर इजंट प्रेजेंट इन द गोल्डन एज फॉर 1250 ईयर्स। धर्म पिता होता है तो एकदम सतो प्रधानता। देर इज कम्प्लीट सतो प्रधानता वेन द रिलीजियस फादर इज प्रेजेंट। तो ये संगम युग की बात है, पुरुषोत्तम संगम युग। सो दिस इज अबाउट द कॉन्फ्लुएंस एज द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज। शक्ति का एकदम आदिकाल जब नई शक्ति का फाउंडेशन पड़ा था। द एब्सोल्यूट बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वेन द फाउंडेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड वॉज लेड। तो उस समय की बात है 5000 वर्ष पहले की। सो इट इज अबाउट दैट टाइम अबाउट 5000 ईयर्स अगो। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं। नाउ दैट एंशियंट डेटी रिलीजन डजंट एग्जिस्ट। उस धर्म का धर्म पिता न सतयुग में होता है, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। द रिलीजियस फादर ऑफ दैट रिलीजन इज नीदर प्रेजेंट इन द गोल्डन एज नॉर द सिल्वर एज और द कॉपर एज और द आयरन एज। कलयुग के अंत में आता है। ही कम्स इन द एंड ऑफ द आयरन एज। और जैसे और धर्म पिताओं ने 100 साल के अंदर अपना अपना धर्म स्थापन किया। एंड जस्ट लाइक द अदर रिलीजियस फादर्स एस्टेब्लिश्ड देयर रेस्पेक्टिव रिलीजन विद इन 100 ईयर्स वैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो बाप है वो भी सृष्टि पर साकार तन में 100 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया को कलयुगी पापी दुनिया को सतयुगी पुण्य आत्माओं की दुनिया बना देता है। द फादर ऑफ द एंशियंट डेटी रिलीजन ऑल्सो एंटर्स अ कॉर्पोरियल बॉडी इन दिस वर्ल्ड एंड मेक्स द ओल्ड वर्ल्ड द आयरन एज सिंफुल वर्ल्ड इनटू द गोल्डन एज वर्ल्ड ऑफ नोबल सोल्स विद इन 100 ईयर्स। तो जो बनाने वाला निमित्त बनता है। सो द वन हु बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट इट। जिस रथ में मैं प्रवेश करता हूँ वो शरीर रूपी रथ है। 5000 वर्ष पहले की बात है। द चैरियट आई एंटर इट इज अबाउट दैट चैरियट लाइक बॉडी 5000 ईयर्स अगो। माना उस आदि सनातन देवी देवता धर्म का धर्म पिता कौन हुआ? इट मीन्स हु इज द रिलीजियस फादर ऑफ दैट एंशियंट डेटी रिलीजन? है जरूर सनातनी होगा, पुराने से पुराना। ही विल सर्टनली बी एंशियंट द ओल्डेस्ट। इसलिए उसका नाम था सनातन। दिस इज वाई हिज नेम वॉज सनातन। क्या? वॉट? पुराना सनत कुमार। द वन हु इज ओल्ड ही इज कॉल्ड सनत कुमार। क्योंकि बताते हैं ब्रह्मा से ये सृष्टि पैदा हुई। बिकॉज इट इज सेड दिस वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड थ्रू ब्रह्मा। पहले पहले कौन ने जन्म लिया? हु वर बोर्न एट फर्स्ट? तो बताते हैं पहले पहले 4 बच्चों ने जन्म लिया। सो इट इज सेड 4 चिल्ड्रन वर बोर्न एट फर्स्ट। सनातन सनंदन सनत कुमार। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। उनमें जो ज्ञान और योग में सबसे तीखे गए। अमंग देम द वन हु बिकेम द शार्पेस्ट इन नॉलेज एंड योग। ज्ञानेश्वर योगेश्वर कहे गए। द वन हु वॉज कॉल्ड ज्ञानेश्वर लॉर्ड ऑफ द नॉलेजेबल वंस योगेश्वर लॉर्ड ऑफ द योगीज। उनका नाम बाला हो गया सनत कुमार। ही दैट इज सनत कुमार बिकेम फेमस। तो उनको कहते हैं सनकादिक ऋषि। सो दे आर कॉल्ड सनकादिक ऋषि द 4 सन्स ऑफ ब्रह्मा इन द फॉर्म ऑफ सेजेस। छोटे छोटे बच्चों के रूप में दिखाए जाते हैं। दे आर शोन इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। एकदम महात्मा। दे आर ट्रूली ग्रेट सोल्स। लेकिन है नंबर वाइज। बट दे आर नंबर वाइज।
जैसे दुनिया में नंबर वार चार धर्म हैं, जस्ट लाइक देर आर फोर रिलीजन्स वन हायर देन द अदर इन दिस वर्ल्ड, कैसे कैसे विच वंस, देवता क्षत्रिय और बड़े के बड़ा विषय सब वैश्य ब्राह्मण द्वापर, द डेटी रिलीजन, द क्षत्रिय रिलीजन, द मोस्ट विशियस वैश्य एब्राहम इन द कॉपर एज, और कलयुग में शूद्र, एंड द शूद्र इन द आयरन एज, नीचता आ जाती है, इन्फीरियरिटी अपीयर्स। तो अभी तुमको ये विश्व का मालिक बनना है, सो नाउ यू हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडर बनना है प्रैक्टिकल में, यू हैव टू बिकम द फाउंडर ऑफ द एंशियंट डेटी रिलीजन इन प्रैक्टिस, तुम बनते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के फाउंडर, यू बिकम द फाउंडर ऑफ द एंशियंट डेटी रिलीजन, बाकी जो ब्रह्मा के तीन और पुत्र हैं वो नंबर वार जो बाद में आने वाले तीन धर्म हैं उनके फाउंडर बनते हैं, द अदर थ्री सन्स ऑफ ब्रह्मा बिकम द फाउंडर्स ऑफ द थ्री रिलीजन्स दैट कम लेटर ऑन वन आफ्टर द अदर, इस्लाम धर्म का एक फाउंडर पूर्वज, वन इज द फाउंडर द एंसेस्टर ऑफ इस्लाम, और बौद्ध धर्म का, एंड द सेकेंड इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, और लास्ट क्रिश्चियन धर्म का भी, एंड द लास्ट वन इज द फाउंडर ऑफ क्रिस्टियनिटी, ब्रह्मा के चार पुत्र चार भाई हुए, सो द फोर चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा आर फोर ब्रदर्स, और चारों ही बीज हैं, एंड ऑल द फोर आर सीड्स, दुनिया के चार मुख्य धर्मों के बीज, द सीड्स ऑफ द फोर मेन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो देखो तुम हो सबसे ऊपर सारे विश्व के मालिक, सो लुक यू आर द हाइएस्ट द मास्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, देवताओं के भी तुम मालिक है, क्षत्रियों के भी तुम मालिक है, इस्लामियों के भी तुम मालिक है, यू आर द मास्टर ऑफ द डीटीज द क्षत्रियाज एज वेल एज द पीपल ऑफ इस्लाम, और शूद्रों के भी ऊपर तुम, तुमको कोई नहीं हरा सकता, एंड यू आर द हाइएस्ट अमंग द शूद्रास टू, नो वन कैन डिफीट यू, हाँ कलयुग के अंत में जब मैं आता हूँ तब तुम कमजोर पड़ जाते हैं, यस व्हेन आई कम इन द एंड ऑफ द आयरन एज यू बिकम वीक, क्यों, व्हाई, क्योंकि मैं जब आता हूँ तो धीरे धीरे राजयोग की पढ़ाई पढ़ाऊंगा, बिकॉज व्हेन आई कम विल आई टीच द नॉलेज ऑफ राजयोग ग्रेजुअली, हथेली पे आम हो जाएगा, और विल अ मैंगो ग्रो ऑन द हैंड पाम, हथेली पे आम उगाना टू अकम्प्लिश अ ग्रेट टास्क ऑल ऑफ अ सडन, तो पहले पहले तुम्हारे में थोड़ा ज्ञान होता है, सो इनिशियली यू हैव लिटिल नॉलेज, पूरा ज्ञान नहीं होता है, यू डोंट हैव द कम्प्लीट नॉलेज, इसलिए जो माया रूपी रावण राज्य है उसका प्रभाव तो बहुत जबरदस्त होता है उस समय, दिस इज वाई देर इज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द किंगडम ऑफ रावण इन द फॉर्म ऑफ माया एट दैट टाइम, तो वो तुमको हरा लेता है, सो ही डिफीट्स यू, तुम्हारे अंदर पूरा ज्ञान नहीं है राजयोग का, इट इज बिकॉज यू डोंट हैव कम्प्लीट नॉलेज ऑफ राजयोग, कि कैसे राजयोगी क्या करते हैं, हाउ द राजयोगीज व्हाट डू दे डू, इंद्रियों पर जीत पहनते हैं, दे गेन विक्ट्री ओवर द इंद्रिया, तो देखो तो तुम ये विश्व के मालिक बने थे, सो जस्ट लुक यू बिकेम द मास्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, देर वॉज द एंशियंट डेटी रिलीजन, और उसको 5000 वर्ष हुआ, एंड 5000 इयर्स हैव पास्ड सिंस देन, अभी वो देवी देवता सनातन धर्म नहीं है, नाउ दैट एंशियंट डेटी रिलीजन डजंट एग्जिस्ट, देखने में नहीं आता, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं है, इट इजंट विजिबल, इट इज नॉट दैट इट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, इसलिए गीता में कहा है प्राय है लोप हो जाता है, दिस इज वाई इट इज सेड इन द गीता इट बिकम्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, माने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा है, अभी भी ऐसे ऐसे परिवार हैं भारत में, इट मीन्स इट एग्जिस्ट्स एट सम प्लेसेस टू सम एक्सटेंट, नाउ ऑल्सो देर आर फैमिलीज लाइक दिस इन भारत, जहाँ ढेर के ढेर लोग एक ही परिवार में रहते हैं और एक ही चूल्हे पर खाना बनता है
और एक ही उनका मुखिया होता है। वेर न्यूमरस पीपल स्टे इन द सेम फैमिली एंड द फूड ऑफ ऑल इज कुक्ड ऑन अ सिंगल स्टोव एंड दे हैव जस्ट वन हेड। वो मुखिया पूरे परिवार का जैसे राजा। दैट हेड इज लाइक अ किंग ऑफ द होल फैमिली। तो देखने में नहीं आते ऐसे परिवार। सो सच फैमिलीज aren't seen easily। प्राय है लोग। दे आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। अभी बाप आकर के वो वसुधैव कुटुंबकम फिर स्थापन करते। नाउ द फादर कम्स एंड एस्टेब्लिशेस दैट वसुधैव कुटुंबकम अगेन। वसुधैव कुटुंबकम द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली। सारी वसुधा माने पृथ्वी पर जितने भी धर्म के जो भी फॉलोअर्स हैं वो सब एक विश्व पिता के प्रजा बनने वाले हैं। ऑल द फॉलोअर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स हु एग्जिस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड द अर्थ दे ऑल आर गोइंग टू बिकम द सब्जेक्ट्स ऑफ द वन फादर ऑफ द वर्ल्ड। क्या वॉट किसके राज्य में आने वाले हैं? दे आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन हुज किंगडम? जो विश्व का पिता है, विश्व का पति है, अभी फिर से उसका राज्य स्थापन करते हैं। द वन हु इज द फादर ऑफ द वर्ल्ड द वन हु इज द हस्बैंड ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड नाउ ही एस्टेब्लिशेज हिज किंगडम अगेन। तो ऐसे चक्कर तो फेंकेगा। सो द साइकिल विल सर्टनली रोटेट इन दिस वे। गाया भी जाता है आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। इट इज ऑल्सो सेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंशियंट डेटी रिलीजन और अनेक धर्मों का विनाश एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी रिलीजन्स। कभी लिखा है ना धर्म संस्थापना था है विनाशाय च दुष्टतम। इट इज रिटन इन द गीता इजंट इट धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। आई कम फॉर द कम्प्लीट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रू रिलीजन एंड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वीकेड वंस। जो दुष्ट कर्म करने वाले धर्म है, दुखदायी धर्म है, हिंसक धर्म है। इट मीन्स द रिलीजन्स विच परफॉर्म वीकेड एक्शंस द रिलीजन्स विच गिव सोरो द वायलेंट रिलीजन्स। हिंसा माना दुख देना। वायलेंस मीन्स टू गिव सोरो। ऐसे सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। ऑल द रिलीजन्स लाइक दिस विल बी डिस्ट्रॉयड। और जो अहिंसक धर्म है कौन स्थापन करता है? एंड द नॉन वायलेंट रिलीजन हु एस्टेब्लिशेज इट? है सुप्रीम सोल। द सुप्रीम सोल देवता धर्म स्थापन करता है। ही एस्टेब्लिशेज द डेटी रिलीजन। तो देवताएं तो सुख देते हैं। सो द डेटीज इंडीड गिव हैप्पीनेस। देवताएं दुख नहीं देते, अहिंसक होते हैं। दे डोंट गिव सोरो, दे आर नॉन वायलेंट। उनकी टाइटल ही है देवताओं के क्या? द वेरी टाइटल्स ऑफ द डेटीज आर वॉट? सर्वगुण संपन्न, सोलाकला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, कम्प्लीट विथ ऑल द वर्च्यूज, कम्प्लीट विथ 16 सेलेस्टियल डिग्रीज, कम्प्लीटली नॉन वायलेंट, बेस्ट अमंग दोज हु फॉलो द कोड ऑफ कॉन्डक्ट। देखते हो कि एक धर्म की, एक धारणा की, एक बाप के द्वारा स्थापन की हुई धारणा रूपी धर्म की स्थापना हो गई है। सो यू सी दैट वन रिलीजन वन धारणा वन रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ धारणा एस्टेब्लिश्ड बाय द वन फादर इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। और अनेक धर्मों का विनाश होता है। एंड मेनी रिलीजन्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। इसलिए गीता में कहा है भगवान ने सर्वधर्मान् परित्यज्य। दिस इज व्हाई गॉड हैज सेड इन द गीता सर्वधर्मान् परित्यज्य रिनाउंस ऑल द रिलीजन्स। क्या वॉट? सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा। रिनाउंस ऑल द रिलीजन्स एंड कम अंडर माई शेल्टर। मामेकम शरणम व्रज। मामेकम शरणम व्रज टेक ओनली माई शेल्टर। अब सब धर्म कोई द्वापर युग में थोड़े ही होते हैं। नाउ नॉट ऑल द रिलीजन्स एग्जिस्ट इन द कॉपर एज। सत्ययुग में सिर्फ देवता धर्म। देर इज जस्ट द डेटी रिलीजन इन द गोल्डन एज। त्रेता में क्षत्रिय बन जाते हैं। देन दे बिकम क्षत्रियाज इन द सिल्वर एज। द्वापर में द्वैतवाद आने से
दूसरे दूसरे धर्म के कहा आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म स्थापन करते हैं। बिकॉज ऑफ द अपियरेंस ऑफ ड्यूअलिटी इन द कॉपर एज अदर रिलीजियस फादर्स अराइव एंड दे एस्टेब्लिश द अदर रिलीजन्स। द्वैतवाद में दूसरे दूसरे राज्य भी स्थापन हो जाते हैं। एंड अदर किंगडम्स आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन द टाइम ऑफ ड्यूअलिटी। दूसरे दूसरे भाषाएं भी बन जाती। अदर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो क्रिएटेड। दूसरे दूसरे कुल, दूसरी दूसरी अनेक प्रकार की मतें। अदर क्लैंस, मेनी काइंड्स ऑफ अदर ओपिनियंस आर क्रिएटेड। तो उसे द्वैतवादी दैत्य कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड ड्यूअलिस्टिक डीमंस। क्या? वॉट? की संतान। हुज प्रोजेनी आर दे? दैत्य हुए दिति की संतान। डीमंस आर द प्रोजेनी ऑफ दिति, वन ऑफ द वाइव्स ऑफ सेज कश्यप। दिति बने? वॉट डज दिति मीन? दिति उसे कहा जाता है जो माता अपने सतीत्व का खंडन कर देती है। द मदर हु रुइंस हर प्यूरिटी सतीत्व इज कॉल्ड दिति। क्या? वॉट? दिति बने? वॉट डज दिति मीन? खंडित हो जाती है। शी इज रुइंड। नहीं तो भारत में सती गाई जाती है। अदरवाइज सती इज फेमस इन भारत। पार्वती का नाम क्या था? वॉट वॉज पार्वतीज नेम? सती। सती। सती माने? वॉट डज सती मीन? सत्य को धारण करने वाली। द वन हु होल्ड्स द एसेंस सत। माने जीवन में एक पति के खून को धारण करके गर्भ धारण करने वाली। इट मीन्स द वन हु इन हर लाइफ बेयर्स द ब्लड ऑफ वन हस्बैंड एंड कंसीव्स। तो उसे सती कहा जाता है। सो शी इज कॉल्ड सती। औरों के खून को धारण किया तो फिर मिक्सचरिटी हो गई। इफ शी बेयर्स द ब्लड ऑफ अदर्स इट विल बी अ मिक्सचर। वो सत्य नहीं रहा। इट डिंट रिमेन सत ट्रू। तो सत्य युग स्थापन ही होता है भारत की सतियों के द्वारा। सो द ट्रू एज सतयुग इज सर्टनली एस्टेब्लिश्ड थ्रू द सतीज ऑफ भारत। तो बताया अब अनेक धर्मों का विनाश होने वाला है जो विचार सिखाते हैं। सो इट वॉज सेड नाउ मेनी रिलीजन्स विच टीच अडल्ट्री विल बी डिस्ट्रॉयड। और धर्म क्या सिखाते हैं? वॉट डू द अदर रिलीजन्स टीच? विचारी बनना सिखाते हैं। दे टीच टू बिकम अडल्ट्रस। और भारत में भगवान आकर के कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। एंड गॉड कम्स इन भारत एंड सेज माम एकम शरणम व्रज। मेरी एक की शरण में आ जा और सात धर्मों का त्याग कर दे। मीनिंग कम अंडर माय शेल्टर ओनली द शेल्टर ऑफ द वन एंड रिनाउंस ऑल द अदर रिलीजन्स। सर्व धर्मान परित्यज्य माने? वॉट डज सर्व धर्मान परित्यज्य मीन? धर्मों का ही त्याग करेगा या उन धर्मों को स्थापन करने वाले धर्म पिताओं का भी त्याग करना पड़े? विल यू जस्ट रिनाउंस द रिलीजन्स और विल यू हैव टू रिनाउंस द रिलीजियस फादर्स हु एस्टेब्लिश दोस रिलीजन्स एज वेल? उनकी बातें मानेंगे? विल यू एक्सेप्ट देयर वर्ड्स? उनको भी मारे सर, धर्म गुरुओं को मारो गोली। शूट देम टू, शूट ऑल द रिलीजियस फादर्स। ये सात संसार को गिराने वाले, दुनिया को दुख देने वाले हैं। दे ऑल आर द वंस हु मेक द वर्ल्ड फॉल, हु गिव सोरो टू द वर्ल्ड। दुखी दुनिया बनाने वाले हैं। हु एस्टेब्लिश अ सोरोफुल वर्ल्ड। ये सुखी दुनिया बनाने वाले नहीं है, विचार से वैश्यालय बनता है। दे आरंट द वंस हु क्रिएट अ हैप्पी वर्ल्ड, अ ब्रॉथेल वैश्यालय इज क्रिएटेड थ्रू अडल्ट्रेशन। वैश्याय बहुत झगड़ा कराती है। प्रोस्टिट्यूट्स मेक पीपल फाइट विथ ईच अदर अ लॉट। क्या? वॉट? सुपन खाए पूतल है जो शास्त्रों में दिखाई गई है वो झगड़े कराने वाली है। शुर्प नखाज पूतनाज हु हैव बीन मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स मेक पीपल फाइट विथ ईच अदर। और सती साध्वियां जो होती हैं वो झगड़े की दुनिया खत्म करा करके एकदम देवताओं की दुनिया स्थापन करती है। एंड वर्चुअस विमेन ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड ऑफ फाइट्स एंड एस्टेब्लिश द वर्ल्ड ऑफ कंप्लीट डेटीज। तो अनेक धर्मों का विनाश। सो देर इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी रिलीजन्स। तो देखते हो
समझते भी हो बिल्कुल अच्छी तरह से। यू डू सी दैट एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्या? वॉट? अभी भारत में खास ऐसे आसार देखने में आते हैं। नाउ सच साइंस आर सीन स्पेशली इन भारत। कि यहाँ जितने धर्म पनप रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में, दैट द नंबर ऑफ रिलीजन्स दैट आर फ्लरिशिंग हियर इन ह्यूज नंबर्स, इतने धर्मों का पालना का माहौल और किसी भी देश में नहीं है। देयर इजंट द एटमॉस्फेयर ऑफ द सस्टेनेंस ऑफ सो मेनी रिलीजन्स इन एनी अदर कंट्री। भारत की राजधानी को ही देख लो। लुक एट द कैपिटल ऑफ भारत इटसेल्फ। ढेर के ढेर मंदिर मिलेंगे। यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेम्पल्स। क्या? वॉट? भारतवासियों के देवताओं की यादगार। दे आर द रिमेम्बरेंस ऑफ द भारतवासी डेटीज। हाँ, ढेर की ढेर मस्जिदें मिलेंगी। एंड यू विल फाइंड न्यूमरस मॉस्क्स। मुसलमान धर्म को फॉलो करने वाले मुसलमान भी ढेर की ढेर है। देर आर न्यूमरस मुस्लिम्स हु फॉलो द मुस्लिम रिलीजन। और ढेर की ढेर क्रिश्चियंस के गिरजाघर भी मिलेंगे। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड लॉट्स ऑफ चर्चेज ऑफ द क्रिस्टियंस। और बौद्धियों का भी जखीरा मिलेगा। एंड यू विल फाइंड गैदरिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट्स टू। तो ये मुख्य धर्म है और इन मुख्य धर्मों के छोटे छोटे मठपंथ भी हैं। सो दीज आर द मेन रिलीजन्स एंड देर आर वेरी स्मॉल रिलीजियस सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज ऑफ दीज मेन रिलीजन्स टू। तो बताते हो कि देखो ये सारे आसार देखने में आते हैं। सो ही सेज लुक ऑल दीज साइंस कैन बी सीन। जितने धर्म दुनिया के पनप रहे हैं ज्यादा तादाद में उतने दुनिया के किसी देश में नहीं। द ग्रेट नंबर ऑफ रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर फ्लरिशिंग इन भारत, देर आरंट दैट मेनी रिलीजन्स इन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हर देश में कोई न कोई एक धर्म को फॉलो करने वाले ज्यादा होते हैं। देर आर मोर फॉलोवर्स ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन इन एनी कंट्री। वॉट? जैसे पाकिस्तान है। फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो क्या फॉलो करते हैं, कौन से धर्म को? वॉट डू दे फॉलो, विच रिलीजन डू दे फॉलो? मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले। दे आर द फॉलोवर्स ऑफ द मुस्लिम रिलीजन। अरब देश में इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले। देर आर फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम इन द अरब कंट्रीज। यूरोप में क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले। फॉलोवर्स ऑफ क्रिस्टियनिटी इन यूरोप। चीन जापान में बौद्ध धर्म करने हैं तो महात्मा बुद्ध को फॉलो करने वाले। चाइना एंड जापान आर बुद्धिस्ट रिलीजियस लैंड्स, सो द फॉलोवर्स ऑफ महात्मा बुद्धा रिसाइड देयर। तो हर एक देश में मोस्टली एक धर्म को फॉलो करते। सो मोस्टली इन एवरी कंट्री पीपल फॉलो वन पर्टिकुलर रिलीजन। और भारत? एंड वॉट अबाउट भारत? भारत में तो राज्य ही चल रहा है, धर्म नर परेच राज्य। द वेरी रूल इन भारत इज ऑफ द सेक्युलर किंगडम। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। दे से वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनी रिलीजन। और भगवान बाप आके क्या कहते हैं हम बच्चों को, बच्चे रिलीजन इज माइट। एंड वॉट डज गॉड द फादर से टू अस चिल्ड्रन? ही सेज चिल्ड्रन रिलीजन इज माइट। क्या? वॉट? ताकत किस बात में है? स्ट्रेंथ लाइज इन वॉट? धर्म में ही ताकत। देर इज स्ट्रेंथ इन द रिलीजन अलोन। धारणाओं में ही ताकत है। देर इज स्ट्रेंथ इन द धारणाज अलोन। क्या? वॉट? अगर धारणाएं श्रेष्ठ नहीं है तो कोई ताकत नहीं है। इफ द धारणाज आरंट एलिवेटेड यू वोंट हैव एनी पावर। और सबसे श्रेष्ठ धारणा है पवित्रता। एंड द मोस्ट एलिवेटेड धारणा इज प्यूरिटी। चलो द्वापर युग से सभी अपवित्र होते हैं। ऑल राइट, एवरी वन बिकम्स इम्प्योर फ्रॉम द कॉपर एज। भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करते हैं। दे एक्ट थ्रू द करप्ट इंद्रिया। फिर भी ये तो गाया हुआ है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। स्टिल इट इज सेड मर्यादा पुरुषोत्तम, इजंट इट? कौन? हु? राम। राम क्या मर्यादा थी? वॉट वॉज हिज कोड ऑफ कॉन्डक्ट? जीवन में एक पत्नी धारण करेंगे। आई विल हैव जस्ट वन वाइफ इन माई लाइफ। पत्नी भी ऐसे ही।
हिज वाइफ वॉज ऑल्सो लाइक दिस. सारे जीवन में एक पति को धारण करेगी. शी सेड शी विल हैव जस्ट वन हस्बैंड ऑल हर लाइफ. तो ऐसे देवी देवताओं को फॉलो करने वाले, सो द फॉलोवर्स ऑफ सच मेल एंड फीमेल डेटीज, जो आज के धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, अमंग द रिलीजन्स दैट आर स्प्रेड इन द वर्ल्ड टूडे, उनमें सिख धर्म में भी कहा जाता है एक नारी सदा ब्रह्मचारी. इट इज सेड अमंग द सिक्स टू, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, हैविंग वन वाइफ एंड रिमेनिंग सेलिब्रेट फॉर एवर. तो इतना तो धारण कर ही सकते. सो एटलीस्ट दिस धारणा कैन बी असिमिलेटेड. लेकिन नहीं, बट नो, विदेशियों के चक्कर में आकर के सारी दुनिया व्यभिचारी बन गई. द होल वर्ल्ड बिकेम अडल्ट्रस आफ्टर बिकमिंग एंटेंगल्ड विद दिस विदेशीज फॉरेनर्स. तो इन सब व्यभिचारी धर्मों का विनाश. सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दिस अडल्ट्रस रिलीजन्स, एक व्यभिचारी धारणा करने वाले ये धर्म की स्थापना हो रही है. एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलीजन विच इम्बाइब्स वन अनअडल्ट्रस धारणा इज टेकिंग प्लेस. अब व्यभिचारी माने वॉट डज अनअडल्ट्रस मीन? एक के साथ आचरण करने वाले, अनेकों के साथ आचरण करने वाले नहीं. दोज हु एक्ट विथ वन पर्सन नॉट द वंस हु एक्ट विथ मेनी. अब व्यभिचारी याद, एक की याद और अनेकों की याद नहीं. दोज हु हैव अनअडल्ट्रस रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस ऑफ द वन एंड नॉट द रिमेम्बरेंस ऑफ मेनी. तो इन बातों को तुम अब अच्छी रीति समझते हो क्या? सो नाउ यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स प्रॉपरली. वॉट? कि श्रेष्ठ धारणा करेंगे आत्मा में तो क्या होगा? इफ यू इम्बाइब एलिवेटेड धारणा इन द सोल, वॉट विल हैपन? ताकत बहुत आएगी. यू विल गेट अ लॉट ऑफ पावर. पुरुषार्थ करना चाहिए क्या? यू शुड मेक पुरुषार्थ. वॉट? माम एकम शरणम व्रज. माम एकम शरणम व्रज, एक की शरण में रहने के लिए. दैट इज टू रिमेन इन द शेल्टर ऑफ द वन. माया से हार नहीं खाना चाहिए. यू शुडंट बी डिफीटेड अगेंस्ट माया. ये माया रूपी रावण राज्य है ना, दस सिरों वाला. दिस इज द किंगडम ऑफ रावण इन द फॉर्म ऑफ माया विथ टेन हेड्स, इजंट इट? ये अपनी अपनी तरफ खींचेंगे. दे विल पुल यू टूवर्ड्स देमसेल्व्स. कोई इस्लाम धर्म की तरफ खींचेंगे, कोई मुस्लिम धर्म की तरफ खींचेंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म की तरफ खींचेंगे. सम विल पुल यू टूवर्ड्स इस्लाम, सम विल पुल यू टूवर्ड्स द मुस्लिम रिलीजन एंड सम विल पुल यू टूवर्ड्स द क्रिश्चियन रिलीजन. क्रिश्चियंस में भी दो फांके हो जाते हैं, अमेरिकन्स और रशियंस. इवन अमंग द क्रिश्चियंस दे आर डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स, द अमेरिकन्स एंड द रशियंस. कोई रशियंस नास्तिक की तरफ खींचेंगे. सम विल पुल यू टूवर्ड्स द रशियंस एथिज्म. क्या? वॉट? रशियंस वो तो राजाओं को ही मार डालते सबको. इन फैक्ट द रशियंस किल ऑल द किंग्स. उन्हें राजा ही बिल्कुल पसंद ही नहीं. दे डोंट लाइक किंगशिप एट ऑल. अपनी ही चलाते. दे डू एवरीथिंग एज पर देयर ओन विश. क्या? हम किसी राजा की नहीं चलेंगे. वॉट? दे से वी वोंट लिव अंडर एनीबडीज किंगशिप. माना हो तो हमारी बात मानो. इफ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अवर वर्ड्स. ऐसे हो जाते हैं. दे बिकम लाइक दिस. तो भगवान कहते हैं नहीं. सो गॉड सेज नो. अच्छी तरह से समझ लो. क्या? अंडरस्टैंड दिस वेल. वॉट? एक को फॉलो करना है, अनेकों को फॉलो नहीं करना है. यू हैव टू फॉलो द वन, यू डोंट हैव टू फॉलो मेनी. और उसके लिए क्या करना है? एंड वॉट डू यू हैव टू डू फॉर इट? है पक्का कर देना है कि हम अगर चाहते हैं कि दस शीश वाली माया से हम हार नहीं खाएंगे तो फिर हमें एक को ही फॉलो करना है. यू हैव टू मेक फर्म दैट इफ यू डोंट विश टू बी डिफीटेड अगेंस्ट माया विथ टेन हेड्स, यू हैव टू फॉलो ओनली द वन. ऐसा सब शक्तिवान उस्ताद मिला है तुमको. यू हैव फाउंड सच ऑलमाइटी मास्टर. क्या? वॉट? जैसे पहलवानों का अखाड़ा होता है ना कुश्ती लड़ने के लिए. जस्ट लाइक देर इज रेस्टलिंग ग्राउंड फॉर द रेस्टलर्स टू रेसल, इजंट देर? तो वहाँ कुश्ती सिखाने वाला उस्ताद होता है.
सो देर इज अ मास्टर हु टीचेस रेस्लिंग देर। जितना बढ़िया उस्ताद होगा उतने ही अच्छे पहलवान उस अखाड़े में तैयार होते हैं। द बेटर द मास्टर इज द बेटर रेस्लर्स गेट रेडी इन दैट रेस्लिंग ग्राउंड। तो बताया कि तुम बच्चों को कैसा उस्ताद मिला है। सो इट वॉज सेड वॉट काइंड ऑफ मास्टर हैव यू चिल्ड्रन फाउंड। सर्वशक्तिवान सब प्रकार की शक्तियों का भंडार है उसके पास। द ऑलमाइटी ही पजेसेस द स्टोर हाउस ऑफ ऑल काइंड ऑफ पावर्स। तो ऐसा उस्ताद मिले तो उसकी मत को मानना चाहिए ना। सो व्हेन यू फाइंड सच मास्टर यू शुड फॉलो हिज डायरेक्शंस शुडंट यू। उसकी मत पर अपना वर्षा लेना चाहिए ना। यू शुड टेक योर इनहेरिटेंस ऑन हिज डायरेक्शंस शुडंट यू। सर्वशक्तिवान का वर्षा है सर्व शक्तियों की प्राप्ति। द इनहेरिटेंस ऑफ द ऑलमाइटी इज द अटेनमेंट ऑफ ऑल द पावर्स। देखो बाप अभी डायरेक्ट आकर कहते हैं। लुक नाउ द फादर कम्स डायरेक्टली एंड सेज। क्या वॉट थ्रू नहीं कहते। ही डजंट स्पीक थ्रू। डायरेक्ट क्या होता है थ्रू क्या होता है। वॉट इज डायरेक्टली एंड वॉट इज थ्रू। माना ब्रह्मा के द्वारा नहीं कहते हैं। इट मीन्स ही डजंट स्पीक थ्रू ब्रह्मा। कैसे ब्रह्मा के द्वारा। वॉट काइंड ऑफ ब्रह्मा। टेम्पररी तन वाले ब्रह्मा के द्वारा नहीं कहते। ही डजंट स्पीक थ्रू ब्रह्मा विद अ टेम्पररी बॉडी। क्योंकि ब्रह्मा के पांच मुख भी दिखाए जाते हैं। बिकॉज ब्रह्मा इज ऑल्सो शोन विद फाइव फेसेस। एक मुख होता है कैसा। देर इज वन फेस हाउ इज इट। परमानेंट। कैसा हाउ। परमानेंट मुख द परमानेंट फेस। 100 साल के संगम में आज से लेकर के अंत तक परमानेंट। ही इज परमानेंट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड इन द कॉन्फ्लुएंस एज ऑफ 100 ईयर्स। वो जो एक मुख है ना वो किस तरफ मुखातिब होता है। दैट वन फेस फेसेस टूवर्ड्स विच डायरेक्शन। चार मुख है चार दिशाओं की तरफ मुखातिब। द फोर फेसेस फेस टूवर्ड्स द फोर डायरेक्शंस। मुखातिब जानते हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ मुखातिब। ए इस तरफ मुखातिब ये इस तरफ मुखातिब। फेसिंग मुखातिब टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन फेसिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो कहते हैं मुखातिब। सो इट इज सेड मुखातिब। और जो एक सिर है वो ऊपर की तरफ। एंड वन हेड इज अपवर्ड्स। किस तरफ मुख है ऊपर वाले की तरफ। इट्स फेस इज इन विच डायरेक्शन टूवर्ड्स द वन हु रिसाइड्स अबव। तो बताया देखो अभी बाप डायरेक्ट कहते। सो इट वॉज सेड लुक नाउ द फादर स्पीक्स डायरेक्टली। कौन से मुख के द्वारा कहते होंगे। थ्रू विच माउथ वुड ही बी स्पीकिंग। दाएं वाले मुख बाएं वाले मुख सामने वाले मुख पीछे वाले मुख। द राइट माउथ द लेफ्ट माउथ द माउथ इन फ्रंट और द माउथ एट द बैक। जो एकदम ऊपर का मुख दिखाया जाता है। वन फेस इज शोन कम्प्लीटली अपवर्ड्स। उस परमानेंट मुख के द्वारा कहते हैं मुकर्रर मुख मुकर्रर तन। ही स्पीक्स थ्रू दैट परमानेंट माउथ द परमानेंट माउथ द परमानेंट बॉडी। और तनधारी ब्रह्मा तो आज है कल खलास। द अदर बॉडीली बींग्स ब्रह्मा एग्जिस्ट टूडे एंड विल फिनिश टूमोरो। और वो पूरे संगम युग में विशेष पार्टधारी ब्रह्मा। एंड वॉट अबाउट हिम ही इज अ स्पेशल एक्टर ब्रह्मा इन द एंटायर कॉन्फ्लुएंस एज। तो उसके द्वारा डायरेक्ट कहते हैं। सो ही स्पीक्स थ्रू हिम डायरेक्टली। क्या कहते हैं। वॉट डज ही से। मैं तुम बच्चों को इस डायरेक्ट मुख के द्वारा फिर से बेहद सुख का वर्षा देने आया हुआ हूँ। I have come to give you children the inheritance of unlimited happiness again through this mouth directly. Yeah. What? Indirectly कहते हैं। He doesn't say this indirectly. माना चार मुख हो गए ब्रह्मा के indirect. It means the four faces of Brahma are indirect. और ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बनते हैं उनके भी कहेंगे indirect. And those who become Brahma कुमार कुमारीज their faces will also be called indirect. और एक मुख है वो डायरेक्ट। एंड देर इज वन फेस विच इज डायरेक्ट। जिससे तुमको
बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जीवन मुक्ति। थ्रू हुम यू ऑब्टेन द इनहेरिटेंस ऑफ अनलिमिटेड हैप्पीनेस, दैट इज जीवन मुक्ति। क्या? वॉट? कैसी मुक्ति? वॉट काइंड ऑफ मुक्ति? जीवन में रहते भी और दुख दर्दों से मुक्त भी। लिविंग द लाइफ एंड फ्री फ्रॉम सोरो एंड पेन टू। देवी देवताओं का जीवन होता है। द डेटीज डू हैव अ लाइफ। लेकिन दुख दर्द उनके जीवन में नहीं होता है। बट देयर इजंट सोरो एंड पेन इन देयर लाइफ। तो उसे कहेंगे जीवन मुक्ति। सो दैट विल बी कॉल्ड जीवन मुक्ति। वो वर्षा तुम बच्चों को देने आया हो। आई हैव कम टू गिव यू चिल्ड्रन दैट इनहेरिटेंस। वो वर्षा तुम बच्चों को सबसे जास्ती मिलता है इस पूरे चतुर्युगी में। यू चिल्ड्रन ऑब्टेन द मैक्सिमम ऑफ दैट इनहेरिटेंस इन द कम्प्लीट साइकिल ऑफ द फोर एजेस। तुम बच्चे तीन हिस्सा सुख भोगते हो। यू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस थ्री पार्ट्स ऑफ हैप्पीनेस। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। वॉट? द वंस बिलोंगिंग टू द एंशियंट डेटी रिलीजन। और धर्म वाले जो है वो तुम्हारे मुकाबले कम हो। दोज बिलोंगिंग टू द अदर रिलीजन्स एक्सपीरियंस लेसर हैप्पीनेस इन कंपैरिजन टू यू। जैसे देवता धर्म है। फॉर एग्जाम्पल द डेटी रिलीजन। जैसे क्षत्रिय धर्म, त्रेता में जो आत्मा है परम धाम से आती है वो पक्के क्षत्रिय। द क्षत्रिय रिलीजन द सोल्स हु डिसेंड फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड इन द सिल्वर एज आर फर्म क्षत्रियाज। ऐसे ही सतयुग में जो आत्माएं परम धाम से आती हैं। सिमिलरली द सोल्स हु डिसेंड फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड इन द गोल्डन एज। चाहे सृष्टि का पहला पत्ता ही क्यों न हो। इट डजंट मैटर इफ ही इज द फर्स्ट लीफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या? वॉट? वो भी जब आती है तो उतरना शुरू करती है। वेन ही टू कम्स ही स्टार्ट्स टू फॉल। क्यों? वाई? उतरेगी तो क्या होगा? वॉट विल हैपन इफ दे दैट इज द सोल्स हु डिसेंड इन द गोल्डन एज फॉल। है? उतरेंगी तो जीत पाएंगी या कोई न कोई से हार खाती रहेंगी। इफ दे फॉल विल दे गेन विक्ट्री और विल दे कंटिन्यू टू सफर डिफीट फ्रॉम समवन और द अदर। है? क्या होगा? वॉट विल हैपन? हार खाएंगी? नहीं खाएंगी। दे विल सफर डिफीट वोंट दे? देव आत्माएं हैं सतयुग में जब जन्म लेती। मान लो पहला पत्ता ही है। वेन द डेटी सोल्स आर बोर्न इन द गोल्डन एज सपोज इट इज द फर्स्ट लीफ। तो नीचे उतरता है कि नहीं? देन डज ही फॉल और नॉट? नीचे उतरने की उसमें सिद्ध है तो अपनी प्रजा को भी नीचे उतारेगा। ही हैज द क्वालिटी ऑफ फॉलिंग सो ही विल मेक हिज सब्जेक्ट ऑल्सो फॉल। तो हार खाएगा या नहीं खाएगा? सो विल ही सफर डिफीट और नॉट? तो वो सब धर्म वाले चाहे देवता धर्म की आत्माएं हो सतयुग में उतरने वाली शांति धाम से। सो द वंस बिलोंगिंग टू ऑल दोज रिलीजन्स वेदर दे आर द सोल्स ऑफ द डेटी रिलीजन हु डिसेंड फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ पीस इन द गोल्डन एज। चाहे त्रेता युग की क्षत्रिय धर्म की पक्की आत्माएं हो और द फर्म सोल्स ऑफ द क्षत्रिय रिलीजन ऑफ द सिल्वर एज। चाहे वैश्य धर्म की द्वापर युग में उतरने वाली आत्माएं हो और द सोल्स ऑफ द वैश्य रिलीजन हु डिसेंड इन द कॉपर एज। चाहे कलयुग में जो क्षुद्र धर्म है दुखदायी वो आत्माएं हो और द सोल्स ऑफ द शूद्र रिलीजन विच गिव्स सोरो इन द आयरन एज। वो सब नीचे उतरने वाली और हार खाती रहती। दे ऑल आर द वंस हु फॉल एंड आर कंटिन्यूअसली डिफीटेड। तो उनको सुख का वर्षा नंबर वार कम मिलता है और तुमको सुख का वर्षा सबसे जास्ती मिलता है। सो दे गेट द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस नंबर वाइज एंड यू गेट द मैक्सिमम इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ तक के ब्रह्म वाक्य है मुरली में। सो मच दैट देर इज द सेंटेंस ऑफ ब्रह्मा इन द मुरली। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते। सम चिल्ड्रन आर सच हु इवन रिमेन हैप्पी फॉर 82-83 बर्थ्स। क्या? वॉट? सिर्फ अंतिम 84वें जन्म में जाकर के उनको फिर बहुत दुख सहन करना पड़ता है।
जस्ट इन द लास्ट 84th बर्थ दे हैव टू सफर अ लॉट ऑफ सोरो और वो कोई बड़ी बात नहीं एंड दैट इजंट अ बिग थिंग क्योंकि छत्र छाया किसकी मिल गई बिकॉज हुज शेल्टर डू दे रिसीव उच्चते उच्च सब शक्तिवान बाप की छत्र छाया मिल गई व्हेन दे हैव रिसीव्ड द कैनोपी ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाई ऑलमाइटी फादर तो कितना भी दुख आ जाए उसकी कोई परवाह नहीं करनी नो मैटर हाउ मच सोरो देर इज दे डोंट हैव टू केयर अबाउट इट ओम शांति ओम शांति।